दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। थाना परिसर में महिला होमगार्ड से छेड़छाड़, दो कांस्टेबल निलंबित। दोस्तों वहीं एक और बड़ी खबर कि होमगार्ड नई भर्ती का स्वागत, पहले पुराने होमगार्ड जवानों को स्थायी रोजगार दे सरकार। हाँ जी दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सहमति राम गोपाल सिंह पसोलिया ने गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान में पंजीकृत 28,054 होमगार्ड जवानों को स्थायी करने की मांग की। राजस्थान में होमगार्ड जवानों को 12 माह से रोजगार नहीं मिल रहा था। राजस्थान में वर्तमान में 10,000 होमगार्ड जवानों को ही ड्यूटी मिल रही है, बाकी सब जवान बेरोजगार हैं। ऐसी परिस्थिति में नई भर्ती से पहले सरकार को होमगार्ड जवानों को स्थायी करना चाहिए। होमगार्ड जवानों ने विधानसभा पर धरना देकर अपनी रोजगार समस्याओं को सरकार को बताई थी। उस वक्त आपदा प्रबंधन सचिव चेतन देवड़ा ने निम्नलिखित आश्वासन दिया था कि जब तक राजस्थान के होमगार्ड जवानों को 70 से ज़्यादा रोजगार नहीं मिल जाए, तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए। उसके बावजूद राज्य सरकार पहले से बेरोजगार बैठे जवानों को रोजगार देने की बजाय नई भर्ती कर रही है, जिसको लेकर होमगार्ड जवानों में काफ़ी आक्रोश है। राजस्थान में होमगार्ड की नई भर्ती से पहले पुराने होमगार्डों को स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाए। पुलिस की तरह डिस्चार्ज होमगार्ड जवानों को भी बहाल किया जाए। राज्य सरकार को जब जब आवश्यकता होती है तब होमगार्डों की ड्यूटी तुरंत बुला ली जाता है। आवश्यकता नहीं होने पर उन्हें तुरंत हटा दिया जाता है, जो उचित नहीं है। कोरोना बीमारी में राजस्थान के लगभग 14,000 से ज़्यादा होमगार्ड सरकार को कोरोना ड्यूटी में लगाया। कोरोना वरिष्ठ होमगार्ड की सेवाओं को बहुत सराहनीय रही। कोरोना महामारी में सरकार ने माह जून के आते ही केवल 6,000 होमगार्ड जवानों को ड्यूटी पर रखा, बाकी के जवानों को बेरोजगार कर दिया। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के मुख्य ने मांग की है कि पहले होमगार्ड जवानों को पंजीकृत किया जाए, उनको 12 महीने के रोजगार देने की व्यवस्था की जाए, बाद में नई भर्ती की जाए। महासंघ जलकन सिंह राठौर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन जयपुर ने भी मांग की पूर्ण समर्थन किया। सरकार पहले पुराने होमगार्ड जवानों को सर दे, फिर नई भर्ती करे, जिससे कि जो होमगार्डों ने कोई दिक्कत ना हो। थाना परिसर में महिला होमगार्ड से दोस्तों खबर निकल कर आ रही है बांसवाड़ा से के पत्र का। जिले में एक महिला होमगार्ड ने थाना परिसर के अंदर 3 पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत एसपी को दी। शिकायत के बाद एसपी ने दोनों कांस्टेबलों को निलंबित कर जांच के आदेश दिए। होमगार्ड ने विवाद देकर 3 कांस्टेबल के खिलाफ कानून कार्रवाई की मांग की है। कहना कि 3 जून को थाने में ड्यूटी पर पहुंची सीआई ने उन तीनों कांस्टेबल को चैम्बर में बुलाया। बार आरोपियों से माफ़ी मांगने को कहा तो उन्होंने इनकार किया। इस पर सीआई ने खुद माफ़ी मांगी और थाने को बदनाम होने की बात कहकर आगे कार्रवाई नहीं होने को कहा। इस पर वो घर लौट गई। अगले 2 दिन बाद ड्यूटी को 5 जून को शाम डीएसपी अनिल मीणा को सारी घटना बताई। डीएसपी मीणा का कहना है कि हमारे सामने 2 कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत आई है, जांच जारी है। अगर तीसरा भी कोई आरोपी है तो जांच के पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी केसर सिंह का कहना है कि मुझे किसी परिवार नहीं दिया। थाना अधिकारी को पीड़िता की रिपोर्ट लेकर केस दर्ज करने तथा डीएसपी अनिल मीणा को अनुशासन के आदेश दिए हैं। दोस्तों ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। ऐसे खबरों के लिए चैनल से जुड़े, लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें आप किस प्रदेश से, ताकि वहाँ की न्यूज़ ज़्यादा देने में आसानी हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।